साक्षी सिन्हा और जही इकबाल की शादी को लेकर सोशल मीडिया पर दोनों को काफी ट्रोल किया जा रहा है, लेकिन अब एक्ट्रेस ने अपने दिल की बात लिखी है। सोनाक्षी सिन्हा और जहीर इकबाल ने लंबी रिलेशनशिप के बाद 23 जून को शादी की। दोनों ने जब शादी की फोटो सोशल मीडिया पर शेयर की तब फैंस ने उन पर खूब प्यार लुटाया। वहीं कुछ ऐसे भी लोग थे जिन्होंने दोनों की शादी पर उन्हें ट्रोल किया। इस बीच अब सोनाक्षी ने नया पोस्ट शेयर किया है। उन्होंने शादी की कई फोटोज शेयर कर कुछ ऐसा लिखा है जिससे ट्रोलर्स को भी करारा जवाब मिल जाएगा। सोनाक्षी सिन्हा ने रिसेप्शन के लुक्स को फोटोज शेयर किए हैं जिसके बाद वे रेड कलर की साड़ी पहने हुए नजर आ रही हैं और जहीर ने व्हाइट कलर का कुर्ता पायजामा और जैकेट। पहली फोटो में सोनाक्षी जहीर को माथे पर किस कर रही हैं। दोनों ने एक दूसरे का हाथ पकड़ा हुआ है। दूसरी फोटो में दोनों एक दूसरे को गले लगाते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं तीसरी फोटो में सोनाक्षी बैठी हैं और जहीर उनके पीछे खड़े होकर उनके माथे पर किस कर रहे हैं। तीसरी और चौथी फोटो में दोनों एक दूसरे के करीब नजर आ रहे हैं और ऐसा लग रहा है कि अपने प्यार में खोए हुए हैं। फोटोज काफी प्यारी हैं और इसके साथ ही जो मैसेज लिखा है वो तो और भी प्यारा है। सोनाक्षी सिन्हा ने लिखा, क्या दिन था, प्यार, हंसी, साथ, एक्साइटमेंट, दोस्तों का, सबका सपोर्ट, परिवार और टीम। ऐसा लग रहा था जैसे पूरी यूनिवर्स दो लोगों के लिए साथ आई जो प्यार में थे। वो सब दिया जो वे चाहते थे, जिसकी हमेशा से उन्हें उम्मीद थी, जिसके लिए उन्होंने प्रार्थना की थी। अगर ये भगवान का आशीर्वाद नहीं तो हमें नहीं पता क्या है। हम दोनों सच में एक दूसरे को पाकर धन्य हैं और इतना प्यार जो हमें प्रोटेक्ट कर रहा है। इस पोस्ट के साथ सोनाक्षी ने नज़र ना लगाने वाला इमोजी भी पोस्ट किया है। आगे बता दें कि यह पोस्ट अब सोशल मीडिया पर काफ़ी वायरल हो रहा है और दोनों की शादी को कई लोग लव जिहाद से भी जोड़ रहे हैं और इस पर सोनाक्षी के पिता शत्रुघ्न सिन्हा ने भी अपना जवाब दिया है। उन्होंने कहा है कि कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, मेरी बेटी ने कुछ अवैध या असंवैधानिक नहीं किया है। जो लोग उस पर कमेंट कर रहे हैं वो लोग जाकर अपना काम करें। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। ऐसी ही अपडेट्स और जानकारियों के लिए हमारे चैनल एप्स मीडिया के साथ जुड़े रहें। चैनल को सब्सक्राइब करना और साथ ही बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें।